नमस्कार दोस्तों, एम के इलेक्ट्रिकल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये झटका मशीन की प्लेट है दोस्तों, ये डैमेज हो गई है, रिपेयर नहीं हो पाई है दोस्तों, इसमें ज़्यादा ख़राबी है। तो दोस्तों हम नई प्लेट डालेंगे। तो दोस्तों नई प्लेट में क्या होता है कि जैक अलग अलग आते हैं दोस्तों, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। ये 12 वोल्ट के तार हैं, जो मेन सप्लाई होती है 12 वोल्ट की, वो कहाँ लगाने हैं दोस्तों। देखो इसमें जैक अलग आया है, तो आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर 12 वोल्ट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो डायोड लगा हुआ है, इसके माइनस पर जो डाउट का माइनस होगा दोस्तों, उस पर हम 12 वोल्ट प्लस लगाएंगे। देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, 12 वोल्ट डाउट पर प्लस लगाएंगे, और जो ग्राउंड इसमें प्लेट में घूम रहा है, उस पर हम ग्राउंड लगा देंगे, अर्थिंग। उसके बाद दोस्तों ये हाई वोल्टेज वाले हैं दोस्तों, झटका हाई और लो करने के लिए, आपको दिखा दूँ मैं दोस्तों। ये कहाँ लगेंगे, इसका भी आपको दोस्तों विशेष ध्यान रखना है। ये देखो देखो दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको देखना क्या है कि जहाँ पर 4 डाउट लगे होंगे, ये देखो यहाँ पर 4 या 5 डाउट लगे हुए हैं छोटे छोटे, उसके एक डाउट पर दोस्तों देखो ये 5 डाउट लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये सप्लाई हाई वोल्टेज है, ये हाई वोल्टेज के कनेक्शन है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों ये हाई वोल्टेज वाले कनेक्शन आपको यहाँ पर देने हैं दोस्तों। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, बाकी अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो। देखो मैंने हाई वोल्टेज वाले तार लगा दिए हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कंडेंसर के तार भी लगेंगे दोस्तों, इंडिकेटर के तार लगेंगे दोस्तों, ट्रांसफार्मर के भी तार लगेंगे। ये देखो ये कंडेंसर के तार हैं दोस्तों, ये कंडेंसर वाले तार दोस्तों देखो। ये देखो मैं कंडेंसर निकालता हूँ, कंडेंसर निकालने के बाद दोस्तों आपको ये बताऊँगा कंडेंसर के तार कहाँ लगेंगे। दोस्तों आपको पीछे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें 4 डाउट लगे हुए हैं पुरानी प्लेट में, और नई प्लेट में 2 डाउट लगे हुए हैं। तो दोस्तों 2 डाउट का प्लस, यानी 4 डाउट का प्लस बन के जाता है दोस्तों, और इसमें 2 डाउट हैं, इनका जो प्लस बन के जा रहा है, एक तो उस टांग पर लगेगा। देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों, देखो यहाँ से एक डाउट शुरू हुआ यहाँ से, और यहाँ से यहाँ आया। देखो आप देख सकते हैं यहाँ होते हुए यहाँ आ गया दोस्तों। एक तो कंडेंसर डाउट के प्लस पर लगेगा, और एक माइनस पर लगेगा, जो ग्राउंड हर तरफ घूम रहा है दोस्तों। ग्राउंड तो हर चीज़ में मिलेगा आपको, हाई वोल्टेज में भी मिलेगा, 12 वोल्ट में भी मिलेगा, ट्रांसफार्मर में भी मिलेगा, और दोस्तों कंडेंसर में भी मिलेगा। तो दोस्तों देखो एक 12 वोल्ट माइनस होगा आपको कहीं, ये माइनस में लग गया। और दोस्तों एक कंडेंसर का तार आपके लिए जो डाउट हैं, डाउट के 4 डाउट या 2 डाउट के प्लस में जाके लगाना है आपको। ये देखो ये प्लस में लगा, ये माइनस में लगा दोस्तों। माइनस तो प्लेट में घूमेगा ही घूमेगा प्रॉपरली। आपको दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ये कंडेंसर के तार लग गए, उसके बाद दोस्तों इसमें इंडिकेशन के तार हैं, ये जो इंडिकेट करता है हमें, किट किट की जो आवाज़ आती है, तो बल्ब जलता है बुझता है। ये देखो इसको निकालते हैं दोस्तों, इसको लगाना कहाँ है आपको दोस्तों, आपको 680 किओम की रेजिस्टेंस दिख रही होगी आपको, 680 किलो ओम की रेजिस्टेंस आपको नज़र आ रही होगी दोस्तों। वहाँ पे आपको ये देखो, यहाँ पे 680 किलो ओम की रेजिस्टेंस है देखो, ये वाली, यहाँ पे दोस्तों इंडिकेशन वाले तार लगा देने हैं दोस्तों। इनको लगाने के बाद दोस्तों हमारे पास बचते हैं ट्रांसफार्मर के तार। तो दोस्तों आपको ट्रांसफार्मर के तार कहाँ लगाने हैं दोस्तों, एक तो आपको जो हमने कंडेंसर का तार लगाया था प्लस वाला, एक वहाँ पे लगाना है। देखो कंडेंसर का तार यहाँ पे लगाया था हमने, यहाँ पे लगा देना है, ये एक ही लाइन है दोस्तों, कहीं भी लगा दो। देखो कंडेंसर के प्लस वाले तार पे, यानी डाउट का जो प्लस घूम के जा रहा है वहाँ पे। और दोस्तों दूसरा आपको ये देखो, एक नंबर डाउट के माइनस पर, यानी कि हमारा Z44 ट्रांजिस्टर लगा होगा उसके बीच वाली पिन पर। देखो इसको लगा दिया, देखो दोस्तों इस तरीके से आप अपना प्लेट जो है झटका मशीन का बदल सकते हैं। मैं आपको भी चलाकर दिखा सकता हूं दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों।